हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों से आज ऐसी लाजवाब बालूशाही की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे खाकर कोई भी यकीन नहीं करने वाला है कि आपने इसे घर पर ही बनाया है। तो बनाने के लिए इसे लेंगे 2 कप मैदा, देन आप लोगों को इसमें ऐड करनी है बेकिंग पाउडर, देन इसमें ऐड करनी है देसी घी, उसके बाद पानी लेना है। पानी का मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करते हुए इसे इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। ज़्यादा प्रेशर लगाकर इसे मलना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से कंबाइन कर लें। और इस तरीके से कंबाइन करने के बाद इसे 20 मिनट रेस्ट दे दें। आफ्टर 20 मिनट ये डो सॉफ्ट हो चुका होगा और इस तरीके से काटना है और फिर बेलना है। आप ध्यान से देख लीजिए, बेलना है इसके बाद और इसे 2 हाफ में कट करना है, उसके ऊपर एक चढ़ाना है, फिर इसे बेलना है। और यही प्रोसेस आप 5 to 6 टाइम रिपीट कर दीजिए, इससे बालूशाही और भी अच्छी बनेगी। आप 5 to 6 टाइम ये प्रोसेस को करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। यहाँ मैंने 5 to 6 टाइम कर लिया था, अब मैं इसे छोटे छोटे लोई में कट करूँगी और इसे हल्के हाथों से गोल बनाएं और इसके सेंटर पे उंगली करनी है, जैसे लोग आपके पर्सनल लाइफ में उंगली करते हैं। उसके बाद पैन में ऑयल ले लेना है और दूसरी साइड शुगर सिरप की तैयारी करनी है। इसे बनाने के लिए इस कप से 1 कप भर कर लेंगे हम लोग चीनी और 1/2 कप पानी और 2 इलायची और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फूड कलर। देन इसे गाढ़ा होने तक कुक करें और इसे बार बार चम्मच से गिराते हुए देख लें। जब आपका ड्रॉप स्लोली गिरने लगे तब आप समझ जाइए आपका चाशनी रेडी हो चुका है। अब हम फ्राई करेंगे बालूशाही को। इसके लिए मेक श्योर कि तेल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए और इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, फिर आप इसमें सारा बालूशाही स्लोली स्लोली ऐड कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि बालूशाही थोड़ा थोड़ा फूल गया है, तो अब गैस लो से मीडियम कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पलट पलट कर फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारा बालूशाही गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। सारा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और इसे ऐड कर देंगे शुगर सिरप में और इसे शुगर सिरप में रहने देंगे 10 मिनट्स के लिए और इसे पलट पलट कर रखेंगे ताकि दोनों साइड से ये चाशनी पी ले अच्छे से। तो हमारा ये बालूशाही बनकर रेडी है। किसने किसने ट्राई किया कमेंट में ज़रूर बताना। कैसा लगा आप लोग को रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल।